हाजिर हैं। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं आप हज़रात को जश्न मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, उसके बाद चार दिन से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ बतौर खास जल्दी। महफिल में ऐसा लगता है मौलाइयों के बीच, महफिल में ऐसा लगता है मौलाइयों के बीच, बैठा हुआ हूँ घर सगे भाइयों के बीच, बैठा हुआ हूँ घर में सगे भाइयों के बीच, तो नामे हुसैन फैल गया कायनात में, नामे यजीद फंस गया रुसवाइयों नामे यजीद फंस गया रुसवाइयों के भी। नारे सलवात पढ़ जाए मतलब। महफिल में ऐसा लगता है मौलाइयों के भी, बैठा हुआ घर में सगे भाइयों के बीच, तो नामे हुसैन फैल गया कायनात में, नामे यजीद फंस गया रुसवाइयों के बीच, नामे यजीद फंस रुसवाइयों के भी। सलवात इनायत कर जाए हजरात। देखिए हजरात, माशाल्लाह ममदू के हवाले से तो माशाल्लाह सभी हजरात सभी शोरा कलाम पढ़ेंगे माशाल्लाह से। मैं चाहता हूँ एक मतला और चार पांच शेर मौला ली रखे अलाम पेश करता हूँ। उस्ताद मिश्रा हुआ था, आओ हैदर का अकीदत से कसीदा लिखे। मतलब पेश करता हूँ। पहले बाहर से जली नाम खुदा का जली नाम खुदा का लिखे, पहले बार पे जली नाम खुदा का लिखे, फिर बड़े शौक से नाते शहबत हा फिर बड़े शौक से नाते शहबत हा लिखे, पहले बार पे जली नाम खुदा का लिखे, फिर बड़े शौक से नाते शहबत हा लिखे, फिर बड़े शौक से। और यहाँ से शेर बतौर खास उस्ताद पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा करेंगे। वजद में आके लिखे मनकबत मौला अली, वजद में
गुजरा हो, जैसा उसे वैसा लिखे। और शेर बतौर पेश करता हूँ, जिनको कुरान ने कहा अपनी ज़बान में बहरे, जिनको कुरान ने कहा अपनी ज़बान में बहरे, फातिमा और अली को वही दरिया लिखे, फातिमा और अली को वही दरिया लिखे। मुलाजा करेंगे, फातिमा और अली को वही दरिया लिखे। और शेर बतौर खास, बात ये ऐन पहले बाहर फे जली नाम खुदा का लिखे, पहले बाहर फे जली नाम खुदा का नाते शाह बतहा लिखे, फिर बड़े शोक से। और शेर बतौर खास, फिर बड़े शोक से। और शेर बात ये ऐन मुनासिब है अली मौला को, बात ये मुनासिब है अली मौला को, हर कदम अहमद मुख्तार का साया। हर कदम अहमद बात ये ऐन मुनासिब है अली मौला को, बात ये मुनासिब है अली मौला को, हर कदम अहम मुख्तार का साया लिखे। नारे सलवात इनायत कर जा बजरात, हर कदम अहमद। और शेर बतौर खास साथ पेश करता हूं, जिनको कुरान ने कहा है उलिल अमरे जिनको कुरान ने कहा है उलिल अमरे मिनकुम, हक ये है उनको मोहम्मद के ऐजाल, हक ये है उनको मोहम्मद के। मोहम्मद के ऐजाल के। और आपके मजाज का शेर पेश करता हूँ बतौर पार, हक ये है उनको मोहम्मद के ऐजाल के। और शेर बतौर पार, जो अली को नहीं कहता है
कहता है इमाम मौला जो अली को लगी, कहता है इमाम मौला उसको जिंदा नहीं बल्कि उसे मुर्दा। को जिंदा नहीं बल्कि उसे मुर्दा लिखे, उसको जिंदा नहीं। और शेर बतौर खास है यही हाके मामू बतौर खास है यही हाके अली सारे मुसलमान मिल अहमद का बिला फसल खलीफा। उनको अहमद का बिला फसल खलीफा लिखे, उनको अहमद का और शेर बतौर पास जब भी हैदर की उठे जाए विलादत का सवाल, जब भी हैदर की उठे जाए विलादत का सवाल, एक कलम हो के सभी खाना काबा। एक कलम हो के सभी खानाए काबा लिखे, एक कलम हो के। और शेर जनाब अब्बास के हवाले से, ये शेर जनाब अब्बास के हवाले से बतौर खास, एक कलम हो के सभी खानाए काबा लिखे। बतौर खास मामू पेश करता हूँ जनाब अब्बास के वाले से, ये जो अब्बास को कहते हैं वफा का खुदा, ये जो अब्बास को कहते हैं वफाओं का खुदा, इसको हैदर की दुआओं का नतीजा, उसको हैदर की दुआओं का नतीजा लिखे, इसको हैदर की
दुआओं का नतीजा लिखे इसको हैदर। कितने थोड़ा सलवात पढ़ दें आप हजरात। एक और पढ़ दें आप हजरात। इसको हैदर की दुआओं का नतीजा लिखे और शेर बतौर खास पेश करते हैं। कुफ़ जिस बीबी का आलम में नहीं था जिस बीबी का आलम में नहीं था कोई ऐसी बीबी को अली मौला की जोजा। ऐसी बीबी एक और सलवात पढ़ दें आप हजरात। ऐसी बीबी को अली मौला की जोजा लिखे कुफ़ जिस बीबी का आलम में नहीं था इंशाल्लाह पेश करता हूं। आखिर शेर जो किसी तरह भी जो किसी तरह भी माने ना अली के हक को जो किसी उसको आंखों के भी होते हुए अंधा। उसको आंखों के भी होते हुए अंधा लिखे ये जो अब्बास को देखिए फरमाइश हुई हुक्म है इमाम का ये जो अब्बास को कहते हैं वफाओ का खुदा ये जो अब्बास को कहते हैं वफाओ का खुदा इसको है दर दुआओं का नतीजा लिखे इसको हैदर की। और तजमीन बतौर खास तजमीन मोमिनो तेरा मिसरा याद है ना आओ हैदर का कि दस से कसीदा लिखे बतौर खास
मोमिनो तेरा रजब की शबे पुरनूर है ये, मोमिनो तेरा रजब की शबे पुरनूर है ये, आओ है दर का अकीदा से कसीदा। और मक्ता पेश करता हूँ, मक्ता पेश करता हूँ बतौर खास। मेरे मामू जान के हक में दुआ कर दीजिएगा बहुत। आओ है दर का अकीदत से कसीदा लिखे, और मक्ता बतौर खास, मोमिनों कम नहीं मुमताज की खातिर ये शराब, मोमिनो कम नहीं मुमताज की खातिर ये शराब, आप उसको जो गुलाम अदना अली का, माशाल्लाह आप अभी बेहतरीन अंदाज और बेहतरीन तरह